सबसे पहले तो मैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो आगे समझने में आसानी हो। हमारे घर के जितने भी फ़ोन हैं ना, उन सबको चार्ज करने के लिए सिर्फ एक चार्जर है हमारे घर में। उसकी वजह ये है कि हमारे घर में जितने भी चार्जर जितनी दफ़ा भी आ जाएं, सब गुम हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सबका ख़त्म हो जाएगा और हमेशा बचेगा एक चार्जर जिससे हम सब लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। ये पता नहीं, एक अजीब सी मिस्ट्री है हमारे घर में कि पता नहीं क्यों कोई चार्जर टिकता नहीं है, तो हम सब लोग एक फ़ोन से चार्ज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो से आपको क्या लेसन मिलने वाला है। मेरे घर के इर्द गिर्द ना बहुत सारे कबूतर रहते हैं, और जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे, तो लिटरली सैकड़ों कबूतर मेरे घर के ऊपर रहते हैं, कोई मेरे घर की साइडों में रहते हैं, कोई हमारी गैलरी की तरफ रहते हैं, इतने सारे कबूतर। और जितने ज़्यादा कबूतर मेरे घर के आसपास रहते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारे घर के पीछे वाले और हमारे घर वाले उन कबूतरों से तंग हैं। हम लोगों ने बाकायदा घरों के बीच में एक पूरा नेट का जाल बिछाया हुआ है ताकि कोई कबूतर अंदर ना आ सके, क्योंकि पहली बात तो ये कबूतर बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, दूसरे ये ना छोटी छोटी अजीब सी हरकतें करते हैं। अब जैसे हमारी मम्मा की एक जगह फूल झाड़ू रखी हुई थी, अब मम्मा रोज़ कह रही है यार ये फूल झाड़ू ना कोई लेके जा रहा है, ये चोरी हो रही है। अब मैं कहूँ मम्मा फूल झाड़ू वो भी एक एक तिनका करके कौन चोरी करेगा। पता चला कि कबूतर जो है वो तिनके निकाल निकाल के उस झाड़ू के ले जाके अपना घोंसला बना रहे थे, और उन्होंने पूरी झाड़ू का घोंसला बना दिया। तो हमारे घर वाले और हमारे पीछे वाले घर वाले बहुत नाला हैं इन कबूतरों से, लेकिन जो सब जिस चीज़ के खिलाफ हो उसके फेवर में कोई तो होगा, और वो जो हमेशा वही होता है वो हूँ मैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता हो कि मुझे परिंदों का बेइंतहा शौक है, तो अब जब मैं परिंदे ला ला के रखता हूँ, उनका इतना ख्याल रखता हूँ, तो एक जो आज़ाद परिंदे खुद मेरे घर आ रहे हैं, मैं उनका क्यों ख्याल नहीं रखूँगा। तो मैं हमेशा उन कबूतरों की ना साइड लेता हूँ कि नहीं भाई ये कबूतर तो रहेंगे, आप ऐसे कबूतरों को नहीं निकाल सकते। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ कि अब जैसे वो जाली में सुराख हो गया और कबूतर उससे अंदर आके हमारे पीछे बालकनी में बैठने लग गए, तो मैंने उनको नहीं निकाला। मैंने कहा आ गए ना तो आने दें। चिड़ियाओं ने भी घोंसला बना लिया, सब लोग मुझे बहुत मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के ना किसी ना किसी तरह उनको खाना भी वहीं देता रहता हूँ कि चलो इनको बाहर भी ना जाना पड़े, यहीं खा लें, यहीं सब कुछ कर लें। तो वो कबूतर मेरे घर में बहुत ही हंसी खुशी और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप कहेंगे जब सब कुछ ही सही चल रहा है तो इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, इस सॉकेट के अंदर हम सब लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, और यहीं पे इस्त्री भी होती है। अभी परसों सुबह हमारे घर वाले उठे और जो हमारे घर का अकलौता चार्जर है वो गायब। अब सब ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को कह रहा है तुम वहाँ ले गए, कोई कह रहा है तुम यहाँ ले गए, कोई कह रहा है तुम यहाँ छोड़ के आ गए। हम सब इस पर दस्तों गिरेबान हैं कि आखिर वो चार्जर कहाँ गया। और इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ती है उन कबूतरों की तरफ, और मैं क्या देखता हूं कि वो खबीस कबूतर, वो चार्जर जिससे पूरा घर कनेक्ट है, उठा के अपने घोंसले में ले गए। मतलब उनको पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं मिली उठाने के लिए, उन्होंने वो चीज जो हमारे पूरे घर को जोड़ती है, वो चार्जर मेरे कबूतर उठा के ले गए। अब तो सबकी आंखें घूमी किसकी तरफ, मेरी तरफ, क्योंकि मैं ही तो वो बंदा था जो उन कबूतरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। मैं उन कबूतरों की हर जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था, और सबके सब मेरे ही अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उस कबूतर ने ये सोचा कि कितना मजा आएगा कि अगर मैं उठा के चार्जर ले जाऊं। अब मुझे उन कबूतरों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने ये हरकत क्यों की, लेकिन अगर मैं जाके उस कबूतर से पूछूं, मैं उससे कहूं कि यार मैंने तेरी हमेशा इतनी साइड ली, तूने मेरे साथ ये किया, तो वो कबूतर मुझे पता है क्या जवाब देगा? वो कबूतर मुझे बोलेगा मैंने तुम्हारे घर की झाड़ू चुराई, मैंने तुम्हारे घर में गंदगी की, और ऊपर से तुमने मुझे सपोर्ट किया। मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो एक वेरीफाइड चोर था, मैं तो एक वेरीफाइड चीजें गलत कर रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी साइड ली, अपनी मर्जी से ली ना, तो बस मैंने तो मेरा जो काम था वो तो मैंने किया, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं बहुत अरसे पहले से कर रहा हूँ, तुम्हें ही शौक हो रहा था मेरी साइड लेने का, तो भुगतो। और मेरे पास क्या जवाब होगा? जीरो। क्योंकि वाकई उस कबूतर ने मुझे नहीं कहा था कि मेरी साइड लो, मैंने उसकी साइड ली, और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ जो आपको लाइफ लेसन मिलता है ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत क्लियर है कि पहली बात तो हमेशा जिसकी भी आप साइड लें ना, सोच समझ के लें आप किसकी साइड ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले क्या करता आया अपनी ज़िंदगी में, वो पहले किस तरह आपको ट्रीट करता आया है, फिर उसकी साइड लें।
और दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन, आप लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए अनगिनत करते जाएंगे, उनको बताएंगे भी, और जिस दिन वो कोई ना कोई भंड मारेंगे ना, उस दिन वो हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, भाई मैंने थोड़ी कहा था जो तुम कर रहे थे, या किसी दिन आपने उनसे एक्सपेक्ट किया कि यार मेरे लिए कुछ कर दो या मेरा, तो वो एकदम हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, भाई ये जो तुम सब काम कर रहे थे ना, ये तुम अपनी मर्जी से कर रहे थे, मैंने नहीं कहा था तुम्हें करने को, ये तुमने जो किया अपनी मर्जी से खुद किया। तो ये था एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे इन खबीस कबूतरों ने सिखाया। तो आप भी इससे बहुत कुछ सीखिएगा, क्योंकि मैंने तो सीख लिया। बाकी आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये कहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हो, तो आपने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना स्टूडियो सेट कर रहा हूँ, तो वो पिछला एतवार था जिसको मैंने शुरू किया था, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। देखते रहिएगा इस जर्नी को भी कैसे जा रहा है। तो बाकी आप मुझे बताइएगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक ये देखी है तो नीचे कमेंट में लिखें कबूतरों को भगाओ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इन कबूतरों को निकालने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।